बॉलीवुड में एक जमाना था जब विलेन की एक एंट्री से दर्शकों के दिलों में दहशत आ जाती थी। उस वक्त विलेन की भूमिका निभाने वाला वो एक्टर उस किरदार में इतना जीवंत लगता था कि मानो पर्दे पर नहीं असल जिंदगी में भी वो उससे ज्यादा खूंखार इंसान या बदमाश विलेन हो नहीं सकता। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है साइबा खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी। बच्चा बच्चा जिसे देख कर दहशत खाता था, ऐसा था फिल्मों में किसी भी विलेन का रुतबा। 80 और 90 के दशक का वो जमाना जिसमें हीरो से ज्यादा लाइमलाइट विलेन चुराकर ले जाता था। आज हमें ऐसे ही एक विलेन के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। गब्बर सिंह का नाम तो हम सब ने सुना है। जी हाँ, शोले फिल्म का वही खूंखार गब्बर सिंह जिसने ठाकुर के दोनों हाथ काट दिए थे। गब्बर का फिल्म शोले में कहा गया डायलॉग, यहाँ से 50 कोस दूर गांव में रात को जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। आज भी इस डायलॉग को बच्चे बच्चे की जुबान पर आप सुन सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि फिल्म में गब्बर के कई डायलॉग आज भी उतने ही फेमस हैं जितने कि उस जमाने में थे। डाकू गब्बर सिंह की भूमिका निभाने वाले एक्टर अमजद खान एक कमाल के एक्टर थे। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था लेकिन उन्हें शोहरत हासिल हुई थी फिल्म शोले में निभाए गए उनके गब्बर सिंह के किरदार से। गब्बर सिंह पर्दे पर जितना खूंखार और जालिम दिखता था उतना ही अमजद खान का स्वभाव शांत और सरल था। पर्दे पर निभाए गए किरदार अक्सर ही एक एक्टर की जिंदगी को बदल कर रख देते हैं। अमजद खान के बेटे शादाब खान ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि जब अमजद खान ने फिल्म शोले साइन की थी उसी दिन उनका जन्म हुआ था, लेकिन अमजद खान फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझ रहे थे। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे अपनी पत्नी और जन्मे बच्चे को डिस्चार्ज करा कर घर ले आएं। इस किस्से को याद करते हुए अमजद के बेटे शादाब खान ने कहा, हाँ लेकिन उनके पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं थे ताकि मेरी माँ को उस अस्पताल से छुट्टी मिल सके जिसमें मैं पैदा हुआ था। वह रोने लगी, मेरे पिताजी अस्पताल में नहीं दिख रहे थे, उन्हें अपना चेहरा दिखाने में शर्म आते थे। चेतन आनंद सर ने जिनकी फिल्म हिंदुस्तान की कसम उन्होंने तब की थी, मेरे पिता को एक कोने में अपना सिर पकड़े हुए देखा। चेतन आनंद साहब ने उन्हें 400 रुपए दिए ताकि मैं और मेरी माँ घर आ सकें। अमजद खान के फिल्मों में किया गया यूं तो हर किरदार लोगों को आज तक याद है, लेकिन फिल्म शोले में उनके किरदार को वे अपनी अदाकारी से अमर कर गए। अमजद खान एक बेहतरीन एक्टर और आला इंसान थे। उनके बेटे शादाब खान भी एक एक्टर हैं जो आखिरी बार फिल्म स्कैम 1992 में नजर आए थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।